और खबर माफिया से जुड़ी हुई है। माफिया अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अतीक के गुर्गे शेरा की इंग्लिश रिवॉल्वर के साथ तस्वीर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। शेरा कार में बैठे हुए हाथ निकालकर इंग्लिश रिवॉल्वर लहरा रहा है। दो दिन पहले ही शेरा के जिशान गद्दी को धमकाने का भी आरोप लगा था। ये ऑडियो भी वायरल हो रहा था, लेकिन इंग्लिश पिस्टल के साथ तस्वीर वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है हर तरफ। शेरा ने फिल्म स्टार सलमान खान को भी धमकी दी थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस उसे प्रयागराज से गिरफ्तार कर ले गई थी। पिछले कई महीनों से करेली और आसपास के इलाकों में शेरा की दबंगई फिर से शुरू हो गई है। पुलिस इसके ऑडियो की जांच कर रही है। शेरा के खिलाफ करेली और खुल्दाबाद थाने में रंगदारी धमकी और बमबाजी के भी कई मुकदमे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से अतीक के गुर्गे शेरा की ये तस्वीर है और खिड़की से, कार की खिड़की से अपने हाथ निकालकर वो पिस्टल लहराता हुआ दिख रहा है। कई मुकदमे दर्ज हैं इसके खिलाफ और अब भी बाज नहीं आता हुआ शेरा दिख रहा है। कई मुकदमों के बावजूद ये दबंगई इसकी खत्म नहीं हो पा रही है। धारचूला में जोल जीवई मुनस्यारी मोटर मार्ग मलबा आने से बंद हो गया और दरअसल देर रात हुई मूसलाधार बारिश की वजह से बॉर्डर में लगी 5 सड़कें बंद हो गईं और इसके बाद सैकड़ों लोग फंसे गए। धारचूला में तेज बारिश का कहर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रोड बाधित हुई है और लगातार बारिश होने की वजह से जो ये रोड है उस पर मलबा गिरा है, जिसकी वजह से आवाजाही पर काफी प्रभाव पड़ा है। मेरठ में परतापुर पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गोकशी के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये मुठभेड़ परतापुर पुलिस के पास है और एनकाउंटर में अरुण नाम के आरोपी के पैर में गोली लगी है। अंधेरे का फायदा उठाकर अन्य साथी मौके से फरार हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस के कब्जे में ये आरोपी है और घटनास्थल से बाइक भी बरामद किया गया है। अंधेरे का फायदा उठाकर अन्य साथी जो थे वो भाग चुके हैं, भागने में कामयाब रहे, लेकिन एक आरोपी पुलिस के इस वक्त गिरफ्त में है। चंपावत जनपद के पहाड़ी क्षेत्रों में बीते दो दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते ज्यादातर पहाड़ी नाले उफान पर हैं। ऐसे में चंपावत के सीमांत क्षेत्र टनकपुर में पूर्णागिरी रोड पर बटनागढ़ नाले में मलबा आ गया है, जिसके चलते पूर्णागिरी धाम आने वाले श्रद्धालुओं और उनके वाहन फंस गए हैं। स्थानीय प्रशासन जेसीबी मशीन की सहायता से रोड खोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लगातार हो रही बरसात के चलते पहाड़ी नाले से मलबा भी लगातार आ रहा है। अगली खबर टनकपुर से है, जहां तवाघाट टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कंटेनर गहरी खाई में गिर गया और गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। कंटेनर में 3 लोग सवार थे, सबको मामूली चोट आई है। जानकारी मिलते ही एसएसबी के जवानों ने घायलों को खाई से बाहर निकाला। देर रात हुई बारिश से एसएसबी के रेस्क्यू करने के में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कौशाम्बी में सांप काटने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। एक की रात में ही मौत हो गई थी, दूसरी लड़की को बचाने की कोशिश की जा रही थी लेकिन वो कोशिश नाकाम रही। 2 बेटियों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। दरअसल रात में बारिश होने पर दोनों छत से नीचे सोने आई थी, इस दौरान मौजूद सांप ने काट लिया। घटना सराय अकील के म्योहारी का मामला है। बसिया पोल पर लाइट ठीक करने के दौरान करंट लगने से लाइनमैन की मौत हो गई। करंट लगने के बाद वो नीचे गिर गए थे। परिवार और संविदा कर्मी संगठन के लोग कानूनी प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं परिवारजन मृत लाइनमैन के समक्ष बैठे हुए हैं और हर तरफ मातम का माहौल आप देख सकते हैं। लाइनमैन करंट को ठीक और अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर बच्चे की अस्पताल के ऊपर से गुजर रहे वायर की चपेट में आने से घायल हो गया। अस्पताल के ऊपर से 11,000 वोल्ट की लाइन की चपेट में आने से 6 साल के बच्चे के
दोनों हाथ झुलस गए। हालात इतने खराब थे कि डॉक्टर ने उसके दोनों हाथों को काट दिया। इधर जेवर पुलिस और सीएमओ की टीम ने चौधरी मेडिकेयर अस्पताल को सील कर दिया गया है। तस्वीरों में आप बच्चे को देख सकते हैं किस तरीके से दोनों हाथ जख्मी हैं और हालात इतने खराब थे कि डॉक्टर को बच्चे के दोनों हाथ को काटना पड़ा। ग्रेटर नोएडा में इस वक्त की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है और 11,000 वोल्ट की लाइन के चपेट में आने से 6 साल का बच्चा झुलस गया, जिसकी वजह से उसके दोनों हाथ को काटना पड़ गया। तो वहीं लखनऊ में लगे एक पोस्टर पर यूपी का सियासी पारा चढ़ने लगा है। दरअसल आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर सपा कार्यालय में होर्डिंग लगी हुई है, जिसमें उन्हें देश का भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। ये होर्डिंग सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने लगवाई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस पोस्टर पर काफी घमासान मचा हुआ है। भावी प्रधानमंत्री बोलने पर विपक्ष के पार्टी कहें या फिर जो भी दूसरी अन्य पार्टियां हैं, वो इस पर विरोध जता रही है। फखरुल हसन ने ये पोस्टर लगवाया था, जिसके बाद ये विवाद शुरू हो गया। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन है, जिसको लेकर लखनऊ के हजरतगंज में हनुमान मंदिर पर सपा के नेताओं ने हवन किया और सपा मुखिया अखिलेश यादव की लंबी उम्र की कामना की। राजेंद्र चौधरी, रविदास मल्होत्रा समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर हवन में हिस्सा लिया। तो वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर अखिलेश को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को आज उनके जन्मदिन पर उन्हें और उनके परिवार वालों को हार्दिक बधाई, उनकी अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र की भी शुभकामनाएं। वहीं कुशीनगर में बाढ़ की त्रासदी से जनता को बचाने के लिए किए जा रहे उपायों की कलई बड़ी गंडक नदी ने ही पोल खोल दी है। कटान और नदी का वेग रोकने के लिए तकरीबन एक महीने पहले लगाए गए पॉक्यूपाइन बालू की तरह बह रही है और कटान करते करते नदी महादेव गंगा के करीब पहुंच गई है। महादेव गंगा और नदी के बीच से बस 3 मीटर की सड़क का फासला आ गया है। यही नहीं, छिनौती बांध के ठोकर नंबर 2 और 3 के बीच लगाए गए पॉर्क्यूपाइन भी नदी में डूब गए हैं। स्थिति यह है कि ग्रामीणों को बाढ़ खंड के अभियंताओं के किसी भी बात पर भरोसा नहीं रह गया है और एक एक पाई जोड़कर बनाए गए अपने आशियाने को अपने ही हाथों से तोड़ने लगे हैं। ये हालत तब है जब बड़ी गंडक नदी का जलस्तर अभी सामान्य बना हुआ है। नदी में बाढ़ जैसी कोई हालत नहीं है। खड्डा तहसील के महादेवा गांव में और जहां पे हम खड़े हैं, मात्र 3 मीटर का चक्रोड है और यही नदी और गांव का जो है कह लीजिए कि एक बंधा है और ये अगर कट गया तो पूरा गांव जो है नदी में विलीन हो जाएगा। बताया जा रहा है यहाँ के लोगों के द्वारा कि पिछले 5 सालों से लगातार बंधे पे काम हो रही है, विभाग काम कर रहा है, यहाँ तक कि मंत्री और सभी अधिकारी यहाँ के दौरा करते हैं कि काम देखते हैं कि काम हो रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि यह काम केवल दिखाने के लिए होता है। यदि बोल्डर और जाली अगर डाल के इसको रोका जाता तो कहीं ना कहीं रुक जाता, लेकिन स्थिति ये है कि केवल दिखाने के लिए और पैसे का बंदरबाट यहाँ पे किया जा रहा है और कटान जारी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि लगभग यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे नदी थी पिछले 4 साल पहले, लेकिन 4 साल से लेकर अभी तक यहाँ पहुँच गया है और ये आगे अगर इस पर बढ़िया से कार्रवाई नहीं होती है, काम नहीं होता है, तो ये गांव नदी में विलीन हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अधिकारियों की लापरवाही जिस प्रकार सामने आ रही है, इससे ग्रामीण बहुत ही भयभीत हैं। शैलेंद्र गुप्ता, एबीपी गंगा, कुशीनगर। रामपुर में हेट स्पीच मामले में आज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई है और आरोप है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खान ने भड़काऊ भाषण दिया था। हेट स्पीच मामले में अभियोजन पक्ष की फाइनल बहस होगी और अभियोजन पक्ष के बाद बचाव पक्ष यानी कि आजम खान की तरफ से बहस होगी। बहस के बाद जजमेंट के लिए फाइल भेजी जाएगी।
श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का पूरा देश के का मेगा इवेंट बनाने की तैयारी में है और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लगभग 10 दिन पहले से पूरे देश के 5 लाख से अधिक मंदिरों में राम मंदिर संकीर्तन शुरू कराया जाएगा और इसमें सिख जैन समेत कई धर्मों के लोगों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी इन स्थानों पर लाइव दिखाया जाएगा और कार्यक्रम के बाद मौजूद लोगों को तो प्रसाद दिया ही जाएगा, साथ ही साथ घर घर प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संभालेंगे। हिंदुस्तान में कितने मंदिर हैं? तो दसियों लाख होंगे। हिंदुस्तान में 2.5 लाख पंचायतें हैं। अगर 2.5 लाख पंचायतों में हर एक ग्राम पंचायत में एक मंदिर जरूर होगा और शहरों के नगरों के 2.5 लाख मोहल्ले मान लो, तो अगर 5 लाख मंदिरों में दस से 12 दिन पहले से अपनी अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार नाम संकीर्तन, हमने कोई यज्ञ की चर्चा नहीं की है, लाखों रुपया खर्च करके इकट्ठा करके खर्च करना, ऐसी कोई योजना हम नहीं बनाएंगे ना बताएंगे। नाम संकीर्तन 24 घंटे का नहीं, 2 घंटे करो, 3 घंटे करो, अथवा अल्लाह आपके गांव का समाज परिस्थितियों के अनुकूल समझे। यहां से कोई एक मंत्र नहीं दिया जाएगा, सब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार। सिख समाज पाठ कर सकता है, जैन समाज जैन परंपरा के अनुसार पूजा पाठ कर सकता है, रोज करना हर जगह मंदिर में। पीलीभीत में बीती रात गाड़ी के सामने बाघ आ गया। इस दौरान गाड़ी में मौजूद लोगों ने उसका वीडियो बना लिया। बाघ को देखने के बाद जंगल क्षेत्र से कुछ दूरी पर स्थित रिहायशी इलाकों में हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मॉनिटरिंग में जुटी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे कार के सामने बाघ आ गया, जिसकी तस्वीरें कार चालकों ने खींची और उसके बाद उसे वायरल कर दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों में आसपास के रिहायशी इलाकों में हड़कंप मच गया। तो वहीं 2024 के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने लोकसभा के चुनाव की तैयारियां सीतापुर पहुंच गए हैं तैयारियों को देखते हुए, और एबीपी गंगा संवाददाता पंकज सिंह और उन्होंने कई मुद्दों पर उनसे बात की और चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को उन्होंने सोची समझी रणनीति बताई। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि 2024 में कांग्रेस यूपी की 80 सीटें जीतेगी। दुबे उनके दौरे लगातार जारी हैं, तीसरे दिन वो सीतापुर पहुंचे हुए हैं। उन्हीं से जानते हैं कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर इस बार तैयारियों में पूर्व से काफ़ी बड़े पैमाने पर दिख रही है। क्या है कांग्रेस की स्ट्रेटजी, अकेले मैदान में आएगी या फिर गठबंधन की राजनीति करेगी? देखिए, चूँकि सारी जितनी भी शाखाएँ आप देख रहे हैं जिनसे आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की ही देन है या कांग्रेस पार्टी की शाखाएं हैं। तो अगर शाखाएं पुनः लौट करके कांग्रेस के उस पर बरगद के नीचे आती हैं, तो उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं, कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। इस वक्त हम लोगों की लड़ाई जो हो गई है, हम लोगों की लड़ाई छिड़ गई है देश बेचने वाले बनाम देश बचाने वाले। तो देश बेचने वाले कौन है मुझे गौर साहब बताने की आवश्यकता नहीं है, देश को बचाने वाले कौन है ये भी मुझे आप बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जब देश बेचने वालों के खिलाफ मुहिम चली है तो उसमें सारी राजनीतिक पार्टियाँ एक साथ खड़ी हैं। पार्टियां क्या, एक एक जनमानस खड़ा हुआ है कि भैया हम अपने हिंदुस्तान को, अपनी माटी को, अपनी मातृभूमि को इस तरह से नहीं बेचने देंगे जिस तरह से बेचने का कार्य चल रहा है। और सबने ये निष्कर्ष निकाल लिया है कि हर हाल में 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश और इस देश से निकालने का कार्य करेंगे। नकुल दुबे जी,
कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी रहेगी या बहुजन समाज पार्टी रहेगी? देखिए, अब ये निर्णय जिन लोगों को लेना उन्हें छोड़ दीजिए, जहाँ तक हमारी, राठौर साहब की, उत्कर्ष जी की, जलीस भाई की और आपकी है, तो हम लोग ये लड़ाई लड़ें कि हम लोग सीतापुर में हर हाल में कांग्रेस पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके, जो सीतापुर की आंखों में आंसू हैं कि ना तो यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बन पा रही है, ना पर यहाँ पर एक सरकारी मेडिकल कॉलेज बन पा रहा है, ना पर यहाँ पर एक सरकारी डिग्री कॉलेज बन पा रहा है, अरे क्या बोलते हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज बन, इंजीनियरिंग कॉलेज बन पा रहा है, ना यहाँ पर एक बड़ा कोई सरकारी उद्योग लग पा रहा हो जिससे हमारे नौजवानों के चेहरे पर चमक आवे। इसलिए हम लोग को ये संकल्प लेना चाहिए कि जो 2019 में दुबे जी ने संकल्प लिया था वो नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो वो 2024 में कांग्रेस के बैनर तले उन्हीं संकल्प को दोहराते हुए उस संकल्प को पूरा करने के लिए यहाँ से कांग्रेस पार्टी का सांसद लाएंगे। दो चुनाव में आपके साथ नाउम्मीदी रही है, इस बार इन लोगों को ये साथ बना रहे, क्या करेंगे आप? देखें, ये जो लोग हैं ये मेरे साथ दिल का रिश्ता है, इनका कोई चुनावी रिश्ते से ये लोग नहीं आए हैं, राजनीति में 30-30 साल पुराने मेरे मित्र हैं और हम राजनीति में हैं तो ये मेरे साथ हैं। अब चुनाव लड़ें या न लड़ें, इनका साथ मेरे साथ रहता है, यही पर्याप्त है। अगर मौका मिला तो जो कशिश रह गई है आपके सांसद से चुनाव लड़ने की, मुकाबला करने की, वो आप पूरा करेंगे? सांसद नहीं रहेंगे इस बार, ये कशिश पूरी हो जाएगी। जो इतने दिन 20 साल से सीतापुर में जो ग्रहण लगा है सांसद का, विकास का, वो नहीं रहेगा, बदलाव होगा। राकेश राठौर लड़ेंगे? नहीं नहीं, ये बदलाव होगा, सांसद नहीं रहेगा, ये तय है कि सांसद कांग्रेस का इस बार चुन के आएगा, 30 लोकसभा क्षेत्र सीतापुर से कांग्रेस का सांसद चुन के आएगा। मान लीजिए गठबंधन में सीट दूसरे खाते में चली गई, वो अलग बात है, वो तो विषय अलग है, तो गठबंधन वाला जीतेगा। हम तो गठबंधन की मदद पहले भी कर चुके हैं। तो देखिए, ये जोड़ी जो पिछले चुनाव में भी दिखाई दी थी साथ में, फिर से एक बार ये जोड़ी इस उम्मीद के साथ खड़ी हो रही है कि अगला चुनाव इन्हें फतेह करना है लोकसभा का। अब देखना होगा कि अगले चुनाव में रिजल्ट क्या आता है। फिलहाल कांग्रेस चुनाव से पहले तैयारियों में जुटी हुई है, जो बहुत कम देखने को मिलता था। इसका नतीजा कितना साथ देगा ये फिलहाल समय बताएगा। सीतापुर से एबीपी गंगा के लिए पंकज सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।